आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून श्रेयु। गुड आफ्टरनून। आज श्रेयु का स्कूल था। ये क्या कर रहा, तुमको दर्द होगा? नहीं हो रहा है। अरे सुबह से आज ना आयु श्रेयांश के घर 4-5 बार जाके आ चुका है, उसको ढूंढते ढूंढते। और ये अभी स्कूल से आया तो ये नहा रहा था, और नहा के आने के बाद खाना भी नहीं खाया और ऐसे प्यार कर रहा है। बिछड़े मिले इतना प्यार, जिगरी दोस्ती है क्या? जिगरी दोस्त है हम लोग। आयु नीचे उतर। आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा। चॉकलेट बांटे? कल श्रेयांश का बर्थडे था तो आज तो इतने दिनों बाद आफ्टर समर वेकेशन स्कूल जाना पड़ा। सुबह कितने बजे उठना पड़ा बताओ? 6। ओहो, जो कि नॉर्मली उठता था समर में क्या 8-9 बजे उठता था श्रेयु, और आके प्रियांशी को उठाने आता था। नहीं है कि नहीं बताओ? ओके। और आयु को देखो अभी खेलने में लगा नहीं, तो उसके श्रेयांश भाई को कितना परेशान कर रहा था, उसके ऊपर चढ़ के खेल के इतने बालों से मिल गया ना। और मत चढ़ाओ, और मत चढ़ाओ, खेलने दो, अभी खाना खिलाएंगे। देखो उस तरफ सारा फेंक रहा है, सोफा की तरफ। गिरेगा, वो गिर जाएगा। 2000 years later. मुझे ऐसा लगा मेरा घर ना एक होटल है, मैं आती हूँ थोड़ी देर के लिए, रहती हूँ, रात को खाती हूँ, सोती हूँ और फिर जाती हूँ। आज एक दिन से ऐसा लग गया। अभी तक तो ये दिन खत्म भी नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो मैं जा रही हूँ। दीदी को मिले? मैं मुंह धो रही थी इसलिए मैंने ये स्टॉल ऐसे रखा ताकि मेरा जो शर्ट है वो गीला ना हो जाए, बाय द वे। और तुझे बड़ा पता है पाउडर कैसे लग, वो धोना मम्मी, वो थूक लगा दिया उस पे। हाँ, खा खा के और ए कर रहा है। छी, तभी से जब से तुम इधर खा रहे हो। गाड़ी तो आ गया क्या? पता नहीं, टाइम देखो, टाइम अभी 4:37 हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, गाड़ी आ जाएगा और थोड़ी देर में। तो पूरा बिजी फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग कैसे बनाऊंगी पता नहीं, सुबह उठते ही जल्दी जल्दी जाना है। तो चलो मैं जा रही हूँ ट्यूशन, एंड रात को आप सभी से होमवर्क के टाइम मिलूंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई हूँ। मेरी दोस्त सुजानी, उसका भी ट्यूशन था 4 बजे, वो उतरी बस से 3:50 को और वो डायरेक्ट ट्यूशन ही भागी है। गले ना सोया था थोड़ा सा। चलो चलो, मुझे लग रहा है शायद से वैन आगे, मैं जा रही हूँ। बाय। क्या ज्यादा जोर मत चिल्लाओ। प्रियांशी ट्यूशन से आ गई? हाँ। आते ही किसे मिले? आज हम लोग किसे मिले? इसको हम बिस्किट भी दिए। आज हम लोग किट्टू रख देते हैं। कितनी क्यूट है ये, कितनी क्यूट हो तुम। ये लड़का है या लड़की है? लड़की है। ये ना सबके हाथ में आ रही है, पालतू है जैसे। ये श्रेयांश के घर जान। ओ वो बैठ गए। आयु को देखो, आयु को भी पास ले आओ। आयु बुला रहा है। नो 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 नो, जिधर जाओगे जाओ। श्रेयांश जोर से नहीं चिल्लाओ। देखो देखो इसको देखो, पकड़ने जैसा हो रहा है। जब आयु को खाना खिला रहे थे उसके गाड़ी के डाला में वो बैठ गई। श्रेयांश नो, तुम गाड़ी नहीं चलाओ। श्रेयांश नो। बिल्ली ये कितनी क्यूट है, इसको थोड़ा वो दूध का पानी दे देंगे तो पिएगी। हाँ जाओ लेकर आओ, हमारा दूध आज फट गया। ये बेबी है, रुको। सब उसको इसका नाम क्या रखे? किट्टो। हाँ किट्टो, किट्टो ठीक है। प्रियांशी, सो फ्रेंड्स अभी रात का बज गया है 10:30 और प्रियांशी अपना डिनर कर ली और वो बिल्ली हमारे गेट के सामने ही घूम रही है और आयु इधर डिस्टर्ब करने के लिए है। उसको भी चाहिए कि वो दीदी के पास जाए। गिरोगे, उसको दीदी चाहिए, उसको पढ़ाई करने में हमेशा डिस्टर्ब करता है ये। सो प्रियांशी थोड़ा इधर देखोगे? हाँ। कैसा रहा आज का दिन? थोड़ा प्रेफरेंस लोगों को बता दो, गुड नाइट कर देंगे क्योंकि तो ज्यादा बिजी था मैं। इतना बिजी
भागी फिर। मतलब कितना भाग दौड़ की जिंदगी, तुम्हारा मुंह भी पूरा सूख गया है। देखो सुबह के पूरा 7 बजे से उठे हो, अभी तक मतलब तुमको चैन नहीं है ना। 8 बजे से स्कूल जाओ, आओ 4 बजे, फिर जाओ कोचिंग, फिर आओ 9 बजे। तो तुमको जब सम बच्चे की जिंदगी देखो, गौर से देखो इस बच्चे को, तेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? थोड़ी सी भी नहीं आती? इधर इधर नहीं बेटा, तू इधर आ। कैसे देख रहा? नहीं तू इधर आ, तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं आती? यू नहीं, एक सेकंड भाई। आयो थोड़ी सी, तुम दीदी को क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत परेशान कर रहा है मम्मी, बहुत परेशान कर रहा है। उसको तो पापा के साथ खेलना है। मेरे से क्यों लग रहा है जो पता नहीं? अच्छा नहीं, वो दिन भर बहुत मिस किया तुम्हें, दिन भर अकेला है आज। जैसे सोचो तुम, सुबह से देखे तुम्हारा मुंह चला गया ना, देखो। अरे अभी फिर तुम जब पढ़ाई करके आओगे वो सो जाएगा। आई लव यू। हंस रहा है, हंस रहा है। ये है मेरा भाई। तो आज हम लोग अंधेरे में एंड कर रहे हैं क्योंकि लाइट वाइट अभी अगर जलाएंगे तो आयु सब ये खींच खाच के ये कर देगा पूरा। उधर जाने की जरूरत नहीं है, समझे? क्या मेरा ये ईयर पीस खींचने की कोशिश कर रहा है? नो। तो दोनों भाई फ्रेंड्स लोग को गुड नाइट। आपको एक चीज दिखाऊं? क्या वो पेट को उतर, सबको उतर के दिखा। तू जो बेड से उतरना आ गया, उतर के दिखा। मैं हूं नीचे। इमा ऐसे सीधा करके नहीं रखना है उसको, वो ना पीछे तरफ से आता है ना, अपना एक पैर नीचे डाल के। क्या हुआ? लग गया चोट शायद से। हाँ, सॉरी। कल भी दीदी का पूरा बिजी शेड्यूल है, कल भी दीदी का ट्यूशन है। परसों नहीं है, परसों नहीं है ना, बस स्कूल जाके आके थोड़ा रेस्ट कर। मन नहीं कर रहा है, बट ये नोट्स मुझे ये वीक के एंड तक खत्म करना है, मेरे बायोलॉजी वाले सर ने बोला। तो मैं वेडनेसडे रात को मैं पूरा आराम से शाम को बैठकर, फिर साथ ही साथ तुमको वीडियो भी एडिट करना है संडे का, जानते तो हो ना बेटा प्रियांशी। हाँ। वीडियो भी एडिट करना है संडे को जो आता है। वह करना ही करना। और आयु का बर्थडे भी दिस वीक आ रहा है फ्राइडे को, तो उसका डेकोरेट भी करना पड़ेगा। ये कौन है? इसका बर्थडे हम मनाएंगे? आपको लगता है इस बदमाश का बर्थडे मना? आथू बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मनाती इतने बदमाश बच्चों का बर्थडे। तुम्हारा भाई का नहीं मनाओगे? मैं तो ना सहता। जब वो बड़ा होगा और ये ब्लॉग देखेगा तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा। मैं डरती हूँ क्या इस छोटकू से? एक फूंक मारूंगी उड़ के गिरेगा। ऐसा मत बोलो, आयु भी स्ट्रांग बनने लगा है दिन बाय दिन। तो होपफुली आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा, मैं भी ये रखने जा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर से ही मर रहा है। हे भगवान, 4 लाइन लिखे और सो जाओगे? 4 लाइन लिखी हूँ एक्जेक्टली, नहीं नहीं पढ़ूंगी। पढ़ लो। तू बदमाश वैसे होना बंद कर और जा पापा के साथ खेल, बाय। तो हाँ 15 मिनट पढ़ लो, कम से कम कुछ लिख लो, ठीक है? घंटा पढ़ रही हूँ। हाँ मैं तब तक उसको सुनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आजकल हम जल्दी सोएंगे। कल सुबह दादी आने वाली है। मेरी दादी? हाँ आयु की दादी। इरिगेशन प्रियांशी, आयु की दादी। मेरी दादी नहीं है। वो ऐसे हो के क्यों आ रहा है तू? पागल कार्टून है क्या? बस मैं सुला रही हूँ उसको, ठीक है? गुड नाइट, थैंक यू फॉर वाचिंग द ब्लॉग टिल द एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।